आज हम सुप्रीम कोर्ट में आए, जिस प्रकार से आप सबको मालूम है कि इंदौर लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से चल रहा है। जैसे ही 29 तारीख के दिन अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया, क्योंकि कांग्रेस का मैं सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट था, हमारा ये प्रयास था कि कांग्रेस की तरफ से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी माना जाए। हमने उसी को आधार मानकर माननीय निर्वाचन अधिकारी इंदौर में हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद अगले दिन हमने माननीय उच्च न्यायालय गए, सिंगल बेंच में गए, जहाँ पर न्यायालय से हमको फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। उसके बाद हम डबल बेंच में गए और डबल बेंच के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम आए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे द्वारा जो विधि के बिंदु उठाए गए थे उनको माना, एक्सेप्ट करा। और माननीय न्यायालय का ऐसा कहना है कि चूँकि आपके द्वारा जो जो भी बिंदु उठाए गए वो सही है, पर चुनाव में समय की कमी है। आज मोती सिंह पटेल जी का प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में लगा था, जिसमें कि मैंने उनकी तरफ से पैरवी करी और सुप्रीम कोर्ट को विधि के सारे तथ्य बताए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी हमारी विधि के तथ्यों को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ, विधि के अनुसार ये क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है और इसीलिए इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को ओपन रखा गया है। जैसा कहा जाता है, इलेक्शन एक समय की रेस है, उस रेस में थोड़ा सा हम लोग को विलंब हो गई है, लेकिन आगे चल के इस क्वेश्चन ऑफ लॉ का जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा।